अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं हूं मानन। नाज़रीन, आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अहम फ़ैसला दे दिया है। इलेक्शन की सुप्रीम कोर्ट ने डेट अनाउंस कर दिया है और इम्पोर्टेड हुकूमत जो है अब भी कोशां है कि किसी तरीके से इलेक्शन को रोका जाए और जो है किसी तरीके से इलेक्शन की डेट को डिले किया जाए। तो नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल में इलेक्शन खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में जो है इलेक्शन करवाने की तारीख दे दी है कि अप्रैल 7 अप्रैल तक जो है इलेक्शन करवाए जाएं। इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया है और पीटीआई और इमरान खान साहब की जानिब से बहुत जो है खुशी का इजहार किया गया है जजों के मुतल्लिक कि अदलिया से हम अच्छे की उम्मीद रखते थे और हमें जो है एक अच्छा फैसला मिला है। लेकिन इम्पोर्टेड हुकूमत जो है आईनी और जो है माहिर कानून से अभी भी जो है उनको जो है कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश की जा रही है कि किसी न किसी तरीके से इलेक्शन को रोका जाए। नाज़रीन, अभी जो है सुप्रीम कोर्ट के ज़ेरे एहतमाम सूबाई असम्बलियों को तहलील करने या जो है सूबाई इलेक्शन का यानी कौमी इलेक्शन कौमी असम्बलियाँ तहलील करने और ये केस भी यानी सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे बहस है। तो नाज़रीन, इसका भी जल्द जो है फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दे दिया जाएगा कि जो है कौमी असम्बली को कब रिजोल्व करके इलेक्शन साथ कराया जाए या तो जो है कौमी असम्बली के इलेक्शन बाद में करवाए जाएँ।